टू माय चैनल रेडियो करी फैशन गुरु। आज के इस वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक हस्ती बैठी हुई है, इनका नाम है मिस गरिमा तिवारी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड एंड प्रोफेशनल ब्यूटीशियन है और एक बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो हेयर कटिंग होती है जी, वो फेस का ओवरऑल लुक बिल्कुल चेंज कर देती है, तो इसमें आप कैसे अपने क्लाइंट्स को कैसे आप देखते हो, सोचते हो कि इस फेस पे ये कटिंग अच्छी लगेगी या इस फेस पे ये अगर मैं कट दूंगी तो ये और अच्छा हाईलाइट इसका फेस होगा, तो इसके बारे में थोड़े हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली क्या होता है, बहुत से बच्चे बच्चियां जो भी आजकल की, वो क्या होता है पर्टिकुलर एक फोटो देखकर वो कहते हैं हमें ऐसा हेयर कट चाहिए, वो इंप्रेस हो जाती है कि मुझे ऐसा कट चाहिए। बट कभी कभी हमारे सामने चैलेंजेस ये आ जाते हैं कि अब किसी के बाल सपोज बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट पेंसिल स्ट्रेट है, अब वो मुझसे कह रहा है कि मुझे स्टेप की कट चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि कट तो हम लोग कर देते हैं बट उसके बाद दिक्कत ये आती है कि उनके कट उनको उतने फाइन दिखते नहीं है, क्योंकि जो स्टेप कट है वो बेसिकली बेबी हेयर के लिए है, बेबी हेयर के लिए तो वो फाइन लुक नहीं देते। फिर तो आपने एक ये मैं पॉइंट बताऊंगी आपको इसमें से जो मैम बता रही है कि अगर आपको स्टेप कटिंग लेनी है तो आपके हेयर का टेक्सचर थोड़ा वेवी होना चाहिए, स्ट्रेट बालों में आप नहीं ले पाएंगे। ओके मैम, कंटिन्यू करिए। और बेसिकली मैं तो फेस देखकर ही सजेस्ट करती हूँ कि आप कैसा कट लीजिए, और जैसे हमारे यहाँ लेजर, फेदर, मल्टीपल, बॉय, फ्रेंच जैसे भी कट्स, लोगों को लेजर विद मल्टीपल सारे कटिंग्स होते हैं जो कि आजकल ट्रेंड में चलते हैं, आते हैं जाते हैं, हेयरडू वगैरह हैं, तो वो हमारे यहाँ आपके फेस के अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं। अगर सपोज किसी का फेस बहुत ही पतला है तो हम लोग उसको ऐसा कट देते हैं जो कि उसका फेस थोड़ा सा बल्की लगे, हैवी लगे, तो इसलिए थोड़ा सा कट भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। अगर कोई अपना माइंडसेट ही करके रहता है तो बात अलग है, अदरवाइज हम सजेस्ट करते हैं कि आपके फेस पे कैसा कट अच्छा लगेगा, आप कौन सा कराइए, आपको कौन सा सूट करेगा, तो अगर क्लाइंट उस चीज में एग्री होता है तो हम वैसा कट देते हैं, अदरवाइज उनकी मर्जी का कर देते हैं। जो हेयर स्टाइलिंग है जी जी, वो आप कैसे करते हैं, मतलब फेस के अकॉर्डिंग करते हैं या ड्रेसेस जो वेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग? दोनों ही चीजें हम लोग को, दोनों ही चीजें माइंड में रख के चलनी पड़ती हैं, फेस भी और ड्रेस भी। तो हम लोग पूरा कोशिश यही करते हैं कि 90% जो हेयर कट हम या हेयर डू जो हम दें वो फेस से ही मिलता हुआ हो, वो अलग सा ना जाए। सपोज जैसे अगर किसी का मैं हेयर डू कर रही हूँ और उसका फेस बहुत ही पतला है तो वो और भी लंबा लगने लगता है, तो हमें हेयर स्टाइल ऐसा बनाना है कि उसका फेस लंबा ना लगे, लंबा। हमें हेयर डू बहुत उठाकर नहीं बनाना है, कभी ऐसा बन नहीं बनाना है जो उसका फोरहेड पे ऊपर पे आए, तो हमें इस चीज को ध्यान में रख के ही कट या हेयर डू करते हैं कि जो क्लाइंट है उसके फेस पे वो एडजस्ट हो जाए और उसकी ड्रेस सूटेबल हो, जैसे बाल है सारी स्टाइलिंग वगैरह भी इंक्लूड है आपके पार्लर में जी। तो जो स्पा है, हेयर स्पा वगैरह, वो सब भी आपके फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं आपके पार्लर में? हाँ जी बिल्कुल, होती है हमारे यहाँ हेयर स्पा का काफी लंबा ट्रीटमेंट है, वैसे तो सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं हेयर स्पा, बट हेयर स्पा की बेसिकली जरूरत तब पड़ती है जब आपका हेयर बहुत ही फ्रीजी और ड्राई हो जाए, और बहुत ड्राई हेयर में ही लोग स्पा की डिमांड अक्सर करते हैं हमसे,
क्योंकि आप देखते हैं इतना पोल्यूशन है बाहर, और जो भी वर्किंग लेडीज हैं जिनको डेली का अप डाउन करना पड़ता है या जिनको बालों में बहुत स्वेटिंग आती है, उनके साथ ये इशू अक्सर करके होता है कि उनके बाल ड्राई हो जाते हैं। और आजकल की लाइफ में लोग ऑयलिंग करना बहुत कम पसंद करते हैं, तो इस चक्कर में जो बाल उनका रूट है वो ड्राई हो जाता है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम वो हमें बताते हैं तो उस पर हम उन्हें हेयर स्पा या स्कल्प मसाज का ही ऑप्शन देते हैं। अच्छा जी, तो उसमें हम लोग मल्टी विटामिन ऑयल से स्कल्प मसाज करते हैं, और या अगर वो मसाज नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हेयर स्पा लेना चाहते हैं, तो उस पर भी हम लोग हेयर स्पा करते हैं, जो कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, उसकी 2 या 3 सेटिंग के बाद बाल सॉफ्ट होने लगते हैं। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं तो जैसे लोग अपनी स्किन केयर के लिए मंथली फेशियल्स वगैरह लेते हैं, उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो 2 या 3 मंथ में एक बार स्पा ले सकते हैं, जिससे आपके बाल का टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है। जी, आपके पार्लर में कौन सा बेस्ट स्पा आप करते हैं? देखिए वो तो बजट और क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट हमारे यहाँ लॉरियल है, मैट्रिक्स है, और सॉस्कॉफ है, काफ़ी के हैं हमारे यहाँ, कैरेटीन है, और हेयर स्ट्रेटनिंग है, रिबॉन्डिंग है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको मिल जाएंगे, अफोर्डेबल मिल जाएंगे आपको। और जो क्लाइंट अगर कहता है कि नहीं मुझे रिबॉन्डिंग नहीं चाहिए, मेरे बाल मुझे बिल्कुल पेंसिल स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से बस स्ट्रेट चाहिए, शाइनी स्ट्रेट, तो फिर हम लोग उसमें हेयर स्मूथनिंग करते हैं। अच्छा जी, और अगर हेयर स्मूथनिंग परमानेंट होती है या फॉर टाइम? ये भी नहीं, ये परमानेंट होती है, बस ये है कि जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं या रिबॉन्डिंग करते हैं तो बाल बहुत ही स्ट्रेट आते हैं, बिल्कुल आपने देखे होंगे बिल्कुल पेंसिल की तरह सीधे, वो जरा से भी बाउंस नहीं रहता उनमें, वो चिपके हुए और एकदम सीधे आते हैं। बट जो स्मूथनिंग होती है उसमें बाल बहुत ही स्ट्रेट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं होते हैं, बट ये है कि हाँ आपके जो बालों में वेव्स आते हैं वो चीजें चली जाती हैं, बट बालों में एक बाउंस रहता है। जी, तो आप लोगों ने देखा कि मैम ने कितने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, हम सबको एक्सप्लेन कर रही है कि इनके पार्लर में बहुत अच्छा स्पा भी प्रोवाइड है, जो कि मैम बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स मैम आप लेते हैं ना, ये सेटिंग्स होती हैं स्पा में, जो उसके बाद आपको रिजल्ट 100% मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप गए हो उसका रिजल्ट नहीं मिला है। और बाकी सारे मैम ने बता ही दिया अपने मुँह से ही कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है और कैसे आप बालों के टेक्स्चर के अकॉर्डिंग आप हेयर स्पा ले सकते हो। जी, फेशियल वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए कि फेशियल और क्लीनर वगैरह आप क्या क्या सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को? मैम जैसे कि फेशियल है, तो फेशियल बेसिकली लेडीज आफ्टर 30 ईयर्स के बाद ही मैं वो लेना पसंद करती हैं, क्योंकि आपकी स्किन आफ्टर 30 थोड़ी सी लूज होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं और पिगमेंटेशन होने लगता है, इस टाइप की जो दिक्कतें होती हैं वो 30 के बाद ही ज़्यादा, स्किन को ज़्यादा केयर की जरूरत 30 के बाद ही पड़ती है। तो बेसिकली जो फेशियल होता है वो वैसे तो मंथली लेना चाहिए, बट नहीं अगर आप किसी रीज़न से ले सकते हैं तो 2 से 2.5 महीने में एक फेशियल ज़रूर ले लेना चाहिए आपकी हेल्दी स्किन के लिए। और फेशियल में मैम जैसे हमारे यहाँ क्लीनअप से स्टार्टिंग है, क्लीनअप से 55-50 के रेट से स्टार्टिंग है, और क्लीनअप के बाद हमारे यहाँ फेशियल्स हैं, फेशियल्स में हमारे यहाँ चारकोल फेशियल है और O3 फेशियल है, डायमंड है, गोल्ड है, पपाया है, और मतलब काफ़ी रेंज है फेशियल की, हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज और रेंज है, जो कि हम लोग क्लाइंट की स्किन और उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं, बजट के अकॉर्डिंग ही। मैम हमारे यहाँ जो भी फेशियल्स होते हैं वो बहुत ही रिजनेबल रेट में होते हैं, और उसका इफेक्ट हमारे यहाँ 100% आता है, आज तक की कभी कंप्लेन नहीं आई कि मेरे फेशियल के बाद किसी को पिंपल्स हुए हो या उसको किसी भी टाइप की एलर्जी हुई हो स्किन पे। मैं जो भी काम करती हूँ मैं क्लाइंट्स के सामने करती हूँ, मेरा जो भी मटेरियल जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं क्लाइंट के सामने यूज़ करती हूँ, मेरा कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं रहता है। और जब भी मैं किसी का काम करती हूँ और वो बोलता है कि मेरे पास बहुत अच्छा इफेक्ट आया था, मुझे जो आपने वो वाला फेशियल दिया था वही मुझे फिर से दीजिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और टचवुड मैं यही चाहूँगी कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें और उनका काम अच्छा हो। ओके गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलूंगी। टिल देन बाय बाय एवरीवन।